हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिल्मी जगत से जुड़े एक और दिलचस्प कहानी लेके आए हैं। तो आइए जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती और राजकुमार के बारे में कि ऐसा क्या हुआ कि किस्सा आज भी मशहूर है। कैसे मिथुन चक्रवर्ती ने सीनियर राजकुमार का घमंड तोड़ा और उन्हें सिखाया जूनियर की रिस्पेक्ट करना। यूँ तो राजकुमार अपने फिल्मों के लिए, अपने डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राजकुमार के कई किस्से मशहूर हैं जिसमें राजकुमार ने बड़े से बड़े निर्देशक और अपने कई को एक्टर को मजाक में उनकी ऐसी बेइज्जती कर दी है। राजकुमार अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि राजकुमार को पलट के जवाब दे सके, और राजकुमार बेइज्जती करने में माहिर थे। आइए जानते हैं राजकुमार और मिथुन चक्रवर्ती का किस्सा, कैसे राजकुमार ने मिथुन चक्रवर्ती की बेइज्जती की और मिथुन ने उनको सिखाया सबक। राजकुमार अक्सर वही फिल्म करते थे जिसमें उनको लीड रोल दिया जाता था, और वह चाहते थे कि जो भी कलाकार उनके साथ उस फिल्म में काम कर रहे हैं वो बड़े बड़े कलाकार हो, ना कि कोई न्यूकमर। उस समय डायरेक्टर एक फिल्म बना रहे थे, गलियों का बादशाह, जिसमें उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को एक छोटा सा रोल दिया था। क्योंकि मिथुन उस टाइम पे बॉलीवुड में नए थे, वो न्यूकमर थे। जब उन्हें पता चला कि वो राजकुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती बहुत खुश हुए और अगले दिन शूटिंग के लिए टाइम पे सेट पर पहुंच गए। जब राजकुमार ने मिथुन को देखा तो उन्होंने फिल्म की शूटिंग की रुकवा दी। जब डायरेक्टर ने राजकुमार से इसकी वजह पूछी तब राजकुमार ने कहा कि वह अपनी फिल्म में किसी स्ट्रगलर को नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक छोटे ही रोल के लिए उन्होंने स्ट्रगलर को क्यों कास्ट किया है। राजकुमार मिथुन चक्रवर्ती को अपनी फिल्म में नहीं देखना चाहते थे, उन्हें लगता था कि रोल छोटा ही क्यों ना हो, पर उसमें मिथुन चक्रवर्ती की जगह किसी बड़े कलाकार को लेना चाहिए था। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की वहाँ पे बेइज्जती कर दी थी। मिथुन चक्रवर्ती को राजकुमार की इस हरकत से बहुत दुख हुआ था और उन्होंने फिर राजकुमार के पास जाकर कुछ ऐसा कहा। मिथुन चक्रवर्ती ने राजकुमार के पास जाकर कहा कि वो एक दिन बड़ा नाम कमाकर दिखाएंगे और एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे। इस पे राजकुमार हंस दिए, लेकिन बाद में जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म तो बन गई, लेकिन बाद में किसी वजह से फिल्म रिलीज नहीं हुई क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को ख़रीदना नहीं चाहता था। इस बीच इस फिल्म को 9 साल बीत चुके थे, तब तक मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, लेकिन फिल्म अभी भी नहीं बिकी थी। फिल्म को बेचने के लिए डायरेक्टर ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा राजकुमार की जगह फिल्म के पोस्टर पर मिथुन का पोस्टर लगा देना चाहिए, जिससे फिल्म बिक गई और रिलीज भी हो गई। मिथुन चक्रवर्ती ने राजकुमार को अपने काम से बता दिया कि वे कितने बड़े स्टार हैं। राजकुमार की फिल्म कोई नहीं खरीद रहा था, लेकिन जैसे ही उस पर मिथुन चक्रवर्ती का पोस्टर लगा, फिल्म हाथों हाथ बिक गई थी। मिथुन चक्रवर्ती का डांस लोगों को काफ़ी पसंद आता था। मिथुन चक्रवर्ती एक बड़े स्टार बन चुके थे और उन्होंने कई बड़े कलाकारों के साथ काम भी किया, और उन्होंने अपने काम से ही सबको दिखाया कि कोई भी कलाकार छोटा नहीं होता है। राजकुमार अपने सामने सबको मक्खी मच्छर समझते थे। ऐसा ही राजकुमार ने कुछ गोविंदा के साथ भी किया था, जब गोविंदा भी फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे। उस समय गोविंदा और राजकुमार को लेकर एक फिल्म बनाई जा रही थी, जंगबाज। जब गोविंदा शूटिंग पर पहुंचे तो उनकी रंग बिरंगी शर्ट की राजकुमार ने खूब तारीफ़ की। तब गोविंदा ने उनसे कहा कि अगर आपको मेरी शर्ट पसंद है तो आप इसे रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा को अपनी शर्ट उतार कर दे दी। दूसरे ही दिन गोविंदा ने देखा कि राजकुमार उनकी शर्ट का रुमाल बनाकर अपने जेब में रखे हुए हैं, जिस पर गोविंदा को काफ़ी बुरा लगा। उन्हें लगा कि जिस शर्ट को मैंने इतने प्यार से दिया है, उन्होंने एक छोटा सा रुमाल का टुकड़ा बनाने के लिए मेरी पूरी शर्ट फाड़ दी है, जिससे गोविंदा को इस बात का भी बहुत दुख हुआ था। राजकुमार ऐसे ही एक अभिनेता थे जो कि अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वो राजकुमार को कुछ कह सके। आज तो राजकुमार हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोग उनको उनकी फिल्म और डायलॉग्स के लिए आज भी याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में कुछ दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।